رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से है. मैं चाहूँगी लेट्स नाउ चेंज द वर्ल्ड बट डोंट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल. आइए तो अब हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं. Uses parts to measure the grain in the various parts of the world. However, the balances were also used by Greeks and Romans. एक टाइप जो कि बीम बैलेंस की है आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं. इस बीम बैलेंस में दो पेन गिवन होते हैं. एक पेन में अननोन ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है जिसका मैस हमें मेजर करना होता है और सेकेंड पेन में नॉन मैसेज को प्लेस किया जाता है जो कि स्टैंडर्ड मैसेज होते हैं. और जब ये दोनों पेन बैलेंस हो जाते हैं एक लेवल पे आ जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि दोनों पेन में जो मैस है वो इक्वल है. तो इस तरह हम बीम बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं अननोन ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर करने के लिए बाई कंपेयरिंग इट विद द मैस ऑफ द नॉन ऑब्जेक्ट. इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट टाइप हैं बैलेंसेस की जिनको हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स के मैस को मेजर करने के लिए. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस को यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में टू मेजर द मैस ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन. कंपैरिजन का मतलब है कि हम नॉन ऑब्जेक्ट के मैसेस की हेल्प से अननोन ऑब्जेक्ट के मैस को मेजर कर सकते हैं. फिजिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑफ द फल्क्रम. जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं एक स्केल और पॉइंटर गिवन है. एक हमारे पास बीम गिवन है जिसके साथ पॉइंटर अटैच्ड है और जब पॉइंटर ज़ीरो पे होता है इसका मतलब है कि जो हमारी बीम है वो बैलेंस है. दोनों पेन में जो मैसेज हैं वो इक्वल हैं. उसके अलावा लेवलिंग स्क्रूज गिवन है जिनको यूज़ किया जाता है टू बैलेंस द पेन और टू रिमूव द एनी टाइप ऑफ ज़ीरो एरर इन द फिज़िकल बैलेंस. अननोन मैस को प्लेस किया जाता है लेफ्ट पेन में और उसको बैलेंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज बाय प्लेसिंग इट इन द राइट पेन. और स्टैंडर्ड मैसेज को राइट पेन में प्लेस करने से पॉइंटर जो है वो ज़ीरो पोजीशन पे आ जाता है विच मींस the two masses are equal. इस तरह से हम physical balance को use कर सकते हैं unknown object के masses को find out करने के लिए. Second type balance जो है ये consist करता है a system of levers को. इस balance में दो pens given होते हैं attached with the pointer. So when lever is lifted placing the object in one pen and the standard message on the other pen the pointer of the lever system moves. Aur is pointer ko zero pe laya jata hai with the help of the standard message. Aur jab ye pointer zero pe aa jata hai it means ke jo dono pen hain un
में इक्वल मैसेज प्लेस किए जा चुके हैं. इस तरह से हम लीवर बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं अननोन ऑब्जेक्ट के मैस को फाइंड आउट करने के लिए. जो कि इन सब में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहलाता है. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास डिफरेंट रेंजेस में आता है, जस्ट लाइक मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज और किलोग्राम रेंज में. इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है. इसको जस्ट हम स्विच ऑन करते हैं और अगर इसमें कोई ज़ीरो एरर हो तो सबसे पहले उसको इस स्टीयर बटन की हेल्प से रिमूव किया जाता है. सिंपली बटन को प्रेस करने से वो एरर जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है. उसके बाद इसके पेन में उस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है जिसका मैस हमें मेजर करना है, और इसका जो स्केल है वो हमें इस उस ऑब्जेक्ट के मैस की रीडिंग प्रोवाइड कर देता है. It is quite simple to use for the measurement of the mass of the unknown object. Instruments और किन तीन इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लीस्ट काउंट को कंपेयर करेंगे? बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. लीस्ट काउंट इन ग्राम फॉर बीम बैलेंस इज 0.1 ग्राम. For physical balance, it is 0.01 gram, and for electronic balance, it is 0.001 gram. और इन तीनों balances में जो सबसे ज़्यादा accurate measurement है mass की, वो electronic balance से हम हासिल कर सकते हैं. और वो हम क्यों हासिल कर सकते हैं? Because उसका जो least count है वो सबसे ज़्यादा small है, it is more precise. उसके अलावा इन्हीं बैलेंसेस के लीस्ट काउंट को मिलीग्राम में अगर मेजर करें तो बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट मिलीग्राम में 100 मिलीग्राम है, फिजिकल बैलेंस का 10 मिलीग्राम और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का 1 मिलीग्राम. इसमें भी हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का है. और किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू को हम उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे गर्ल्स. वर्क शेयर करने जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करके अपने फिजिक्स फाइल में कंप्लीट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैलेंसिंग स्क्रूज इन अ फिजिकल बैलेंस. क्वेश्चन नंबर 2, On what pen we place the object and why? And number 3, which type of balance is more precise to measure the mass of an object? That's all for today. समझ भी आया होगा. अगर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह आप लोगों से कल एक न्यू टॉपिक के साथ मुलाकात होगी. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टिल देन टेक केयर एंड